हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज। कैसे हो दोस्तों? यार बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज ये व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ डेला एडवेंचर। सो बेसिकली ये हमारी टीम आउटिंग है डेला एडवेंचर्स को, एंड मैं तो किसी को भी नहीं पहचानता। सारे लोग से मतलब ऑनलाइन बातें की, मतलब कुछ लोग से ऑनलाइन बातें किए, बट इन पर्सन किसी को मिला नहीं अब तक। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम ऑल। एटलीस्ट चेहरा तो दिखे भाई, किससे बात कर रहे हैं। तो डेला एडवेंचर्स आता है लोनावला में, एंड अगर आपको राजमांची पता रहेगा तो राजमांची बेस कैंप के लिए जो रोड जाता है वहीं पे रास्ते पे डेला एडवेंचर्स दिखता है, जहाँ पे आपने देखा रहेगा ना कि जहाँ पे कॉन्क्रीट रोड ख़त्म हो रही है, यस वहाँ पे उसका गेट है, क्योंकि उसके बाद कॉन्क्रीट रोड तो है ही नहीं। एंड यस, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग के लिए। गाड़ी नहीं जाएगा क्या? गाड़ी नहीं जाता क्या? गाड़ी नहीं जाएगा अंदर? पार्किंग उधर है ना? पार्किंग किधर है? उसका पहला राइट। तो बहुत गेट्स घूमने के बाद हमको फाइनली हमारा गेट मिल गया जहाँ से हमारा एंट्रेंस था। सो आई थिंक सो इनका हमारा कैसा कॉन्फ्रेंस था ना, तो कॉन्फ्रेंस का कोई अलग एंट्री रहेगा। तो ये गेट से एंटर करने के बाद सबसे पहले आता है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो उसके बाद कोई तो एक बंदा था जो हमारी कंपनी का नाम बोल रहा था, तो मैंने उनसे बात की, यार हम लोग हाँ वही कॉन्फ्रेंस के लिए आए, क्या आप रास्ता बता सकते हो? सो वो हमको अभी गाइड कर रहा है बंदा। तो इनका ये एडवेंचर पार्क भी यहाँ से शुरू होता है। सो ये आप देख रहे हो, ये पूरा एडवेंचर पार्क का ही पार्ट है, एंड ये मेरे ख्याल से एक्वा जो इनका एडवेंचर में आता है, तो सारे पानी वाले इवेंट्स है जहाँ पे आपके कपड़े गीले होने वाले, तो ये डॉच करने का कुछ है एक एक्टिविटी। एंड वाह, गणपति बप्पा मौर्या गणेश की मूर्ति है। सो गणपति के टाइम गए थे तो उन्होंने गणेश की मूर्ति भी बिठाई थी, सही है बहुत। तो ये एक्टिविटी को बोलते हैं रॉकेट इजेक्टर। यहाँ पे हम लोग को ऐसे एकदम फोर्स से नीचे बांधा जाता है, एंड देन एकदम मतलब वो टेंशन रिलीज़ करेंगे तो एकदम हम लोग ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसे कुछ एक्टिविटी है। एंड ये है पेंट बॉल। सो सही में इधर बहुत मज़ा आता है पेंट बॉल में। मैंने पबई में भी खेला था पेंट बॉल हमारे यहाँ पे मुंबई में, तो बहुत ही मज़ा आया था। एंड यस, देखते हैं अभी आगे कैसे इवेंट से हम लोग बाद में खेलेंगे, ये तो ऐसे ही एक अभी सामने दिख रहा है सारे चीज़ें। तो अभी तो कॉन्फ्रेंस के लिए लेट होता रहेगा, तो हम लोग वहाँ जाते हैं पहले। चलो चलो हम लोग, बहुत क्या लिखा है ये, आई लव डी ए, ये कुछ और ही लग रहा है मेरे को तो। अरे उधर तो घोड़े भी हैं। हाँ घोड़े भी, अरे वो राइड करते हैं ना, अरे वो कुत्ते लोग को वॉक करा सकते। चलो अभी सब लोग मिल रहे हैं, लेट्स सी। Rope challenge, rappelling, hardball net cricket, and for the biking. Okay? Because aquasorb, landsorbing, rollersorb, horse riding requires below 90 kg. Below 90 kg? Yes. तो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटीज़। अभी हम लोग को आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। हमारी कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो गई, लंच भी कर लिया हमने, और इंस्ट्रक्टर ने जो जो कहा था अच्छी तरीके से सुन भी लिया, बट प्रॉब्लम है बारिश की, बारिश आ गया, तो इसलिए वी आर पोस्टपोनिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले इनडोर एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, जो है देख लेते हैं अच्छी तरीके से। बिफोर आई डाय लिया, इतना लिहन जाएगा काय काय करायचं लोक ने लिहिलं आहे। अरे ते काय चिखल काय, एवढा चिखल नाही उडत, हे नॉर्मली करतोच आपण। हां डोंबिवलीला आहे रस्ते असे, डोंबिवलीला आपण करतो असं, तिथून चढवायला मग मजा येते। बा ही नाही ह्याच्यात नाही, ते एटीएम मध्ये करायचं, एटीएम मध्ये इधर कुछ तो है मस्त, आई थिंक सो ये रेस्टोरेंट टाइप दिख रहा है कुछ। यस, वो बोलते हैं ना एडवेंचर पार्क प्रॉपर बनाया है वो लोग ने, कि वाइब्स भी बहुत अच्छे।
and yeah, we are enjoying. आज उन कहे थे तिथे जायचं लेन टू चाहिए थे हाँ तिथे तिथे जाणार हे मध्ये आहे ना तो माणूस उभा आहे तिथे जाणार अरे अरे हेलमेट आ रहा है हेलमेट आ रहा है हेलमेट भेजता है ये हार्नेस भेजता है उसके साथ क्या खींच लिया भाई यो रेडी हो गए हम लोग हेलमेट हेलमेट रहता है बिना हेलमेट का नहीं जा सकते बट यस चलो आए अटक गया भाई अच्छा है क्या इधर ऐसा लगा साला अटक गया सो गाइस एक नंबर एक्सपीरियंस था और अभी हमारे और फ्रेंड्स आ रहे हैं इधर से जिपलाइन करके और मैंने लास्ट टाइम कैपमैक से किया था जिपलाइन और ये उससे भी बहुत बड़ा है एज यू कैन सी बहुत लंबा डिस्टेंस है काफ़ी मज़ा आता है एंड यस तो चलो देखते हैं कि बाकी लोग का एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने का ट्राई कर दे अटक गया अटक वो अटकता ही है सो गाइस और एक जिप लाइन है जो वहाँ से डायरेक्ट जाती है हमारी जिप लाइन यहाँ से आ गई सो ये थर्ड जिप लाइन है थर्ड मतलब थर्ड लेन वाली जिप लाइन है ये जहाँ से जाती है ऐसी डायरेक्ट एंड सी उत्तर तक जाती है वो एंड तक ठीक है ये जिप लाइन का बहुत एंड इधर 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 कहाँ पर जाता है बहुत बड़ा जिप लाइन है ये दो पासेस आते हैं उसमें एक ये हम लोग का नॉर्मल पास है जम्बो पास एक है उसमें आता है ये सारी चीज़ें ये एक्टिविटी है उसमें और ये डर्ट राइड वाला भी उसमें ही आता है बाकी तो ये नॉर्मल ये जिप लाइन है और ये वाला एक एडवेंचर एक्टिविटी है ये स्क्वायर कोई तो आया और एक अरे भाई ये तो बैग लेके आ गई अरे विद बैग अरे वो अरे भाई अटक गई अटक गई अटक गई ये बैग लेके आए ना इसलिए अटक गई इतनी बढ़िया बगीज है और एटीवी है बट वी कैन डू इट बिकॉज पास में नहीं आ रहा हमारे पास में नहीं है ठीक है यार खरीद सकते हैं तो और 600 रुपीज़ में 10 मिनट का राइड है देखते एक जोड़ी कपड़ा तो स्पेयर में चाहिए इधर बबल आ गया अरे भाई साहब क्या जा रहा है यार बहुत स्पीड में जा रहा है भाई ये भाई बहुत स्पीड में जा रहा है ये बबल फाड़ देगा ऊपर से फाड़ देगा भाई इधर से कोई तो बंदा आ रहा है कौन है भाई अपना है कि नहीं पता नहीं अपना है कि नहीं सो गाइस ये और एक अरीना है मेरे ख्याल से ये फुटबॉल टाइप है अभी दिख रहे हैं दो गोल पोस्ट है एंड बीच में ये बबल्स रखे हैं तो ये बबल्स के अंदर हमको जाना होता है एंड वी आर टू प्ले फुटबॉल सो गाइस ये एक आर्चरी है इधर ब्लैक लाइन दिखेगी ये यहाँ पे आई टच करना है आपको हाँ इसके थ्रू आपको आगे रेड कलर का डॉट दिखता है ठीक है ये ऐसे मैच करिए ठीक है और फिर डायरेक्ट छोड़ देने का ओ भाई साहब सही है चालू कर देते ना कम ऑन हार्दिक पांड्या ये मेकिंग है कि हाथ से बनाना है अपना आ रहा है क्या
सो गाइज हॉर्स राइडिंग में बहुत मजा आया. सो यू कैन सी ऐसे वो एक राउंड घुमाते इधर से एंड वो घोड़ा मुझे कुछ शूट नहीं करने दे रहा था इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया. सो ये रैपलिंग का पैच इधर से स्टार्ट होके इधर तक एंड हो रहा है एंड ये हमारे कुछ दूर अंदर रैपलिंग करते हुए ये एक स्नेहल है एंड इज़ वैभव और इधर हमारे कुछ लोग जिप लाइन में खड़े हैं और वो वाला जिप लाइन हमको एक्सेसिबल नहीं है. उड़ी मार हाथ लाऊं थांबवायचा नाहीये और इच्छा को पडली ही पक्की ही बा इला 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 जो तुडवला है नुसता तुडवला है इला का नाम है सूप स्विंग एंड इट्स 1200 रुपीस और ये पेंट वाले जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं 50 शॉट्स वाला जान दो 450 तो 450 दे देते और साइज साइकिलिंग भी है उसका भी 600 रुपीस पेड है जो अपने डेली पास में नहीं आता. ये पूरा प्रॉपर लग रहा है ये वाला ये फुल ऑन एकदम मोस्ट वांटेड मेजर. सो हम लोग गाइस रेडी है ये अभी मचाने के लिए रेडी हम लोग और ये हमारा अरीना है ये भाई साहब पर अभी गोप्रो में लगा नहीं सकता यार. भाई मत मत रिस्के भाई रिस्के यही कैप्टन है अरे रिस्क है भाई रुको. सो गाइस हम लोग जीत गए हैं एंड ये सामने वाले हारने वाली टीम है और हम लोग रेड टीम थे हम लोग जीत गए. वैभव ने बहुत मेहनत की है इसमें दो बार उसने फ्लैग ले लिया था. यो अपना कपड़ा अभी ड्राई क्लीनिंग होने वाला इधर क्या वॉशिंग सिस्टम है मस्त इधर ही कपड़ा निकालो इधर ही धो लो और फिर से पहनो दूसरा वो प्रेशर है हाँ वही हो कुछ प्रेस करके अपन प्रेशर से ही जाते ना. वाह 90 मीटर पर सेकंड निकलती है बोली कितना 90 मीटर पर सेकंड से 90 मीटर पर सेकंड से निकलती है बोली ओके अच्छा ये आरसी कार है. ओ भाई बढ़िया इसको कुछ चलाने का मौका नहीं मिलता अरे चांसेस बहुत कम है चांसेस कम चलो रे थैंक यू दिस इज माय फेवरेट. इधर अपन खेलने वाले हैं अभी डॉग्स के साथ. सो डॉग का नाम क्या है मैगी डॉट स्वीटी पोलका ओ भाई साहब निकालना है यार इसको बाहर निकालना है यार ये बहुत इसको निकल सकते हैं अटैक सीखा है अरे यार अरे भाई फॉग बा अरे फॉग आला है फॉग. सो गाइस हम लोग अभी लैब्राडोर को निकाल रहे हैं एज पर देम कि लैब्राडोर इधर सबसे फ्रेंडली है जो डायरेक्टली घूम सकते हैं किसी के साथ भी और बाकी के डॉग्स भी है बट यस लैब्राडोर सबसे बढ़िया वो बोल रहे हैं तो लेट्स पिक लैब्राडोर डांस करेगा रिलैक्स वो हैंड में डालने से थोड़ा ऐसे उठा के चलेगा बच्चा कुछ भी खाते रहता नीचे का. अच्छा ठीक है ऐसा उठा के किसु नहीं ज्यादा पुल भी मत थोड़ा उठा देना हां सिम्बा नाम सिम्बा आते क्या सिम्बा लेट्स रन ए सिम्बा अरे चाउची सिम्बा अगर आप कभी इधर आओ तो यार एटलीस्ट एक डॉग को तो बाहर निकालो लेट इट बी कोई भी हो लैब्राडोर और ये बिकॉज वो लोग को बाहर जाना रहता है एंड वो बहुत इंसिस्ट करते हैं बाहर जाने के लिए तो आप कोई भी एक डॉग को निकाल सकते हो बाहर एंड ऐसा घुमा सकते हो जैसे मैंने ट्राई किया है अभी घूम रहा है
कुछ सी करने वाला है क्या? लगता तो है। हाँ? अरे सी करना रे, सी करना रे। जो कुत्रे फिरो ना टेनिस काढायचा। हेलो सर, भागते क्या सिम्बा? चलो भाग, रन सिम्बा रन रन। यो अच्छा रन नहीं कराना है क्या? ठीक है भाई। यो सिम्बा, अरे 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 साटाल लागला, साटाल लागला। सो इट्स टाइम टू लीव गाइस, चलो बाय। सब कर लिया, कुत्ते के साथ भी मस्त टाइम स्पेंड कर लिया, लैब्राडोर के साथ, एंड मज़ा आया बहुत। सो मैं थोड़े डिटेल्स लास्ट में डाल देता हूँ कि कैसे क्या क्या है अगर पासेस जैसा। तो गाइस अभी हम लोग डिटेल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दो पासेस है, एक डे पास है एंड एक जंबो पास है। सो डे पास में जो हम लोग को मिला था वो डे पास था, एंड उसमें काफ़ी मतलब एवरेज एक्टिविटीज़ है, एक एवरेज पर्सन के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ है उसमें। एंड अगर आपको कोई भी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ करनी भी है तो आप अलग से जाके वो परचेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने पेंट बॉल परचेस किया था 450 रुपीज़ का, एंड वैसे आप कोई भी एक एक्टिविटी परचेस कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। बट अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम एडवेंचर पर्सन है और आपको सारे चीज़ें करना पसंद है तो यू शुड गो फॉर दैट जंबो पास। वहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं होगा यार, अरे ये नहीं कर सकते, अरे वो नहीं कर सकते, उसमें सारे चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि कैसे मतलब इनकी इन्होंने डिवीजन करके रखा है गेम्स का जो एक्टिविटीज़ है उसका, ए जोन, बी जोन, सी जोन ऐसे करके। एंड उसके बाद जो जंबो एक्सक्लूसिव है वो भी अलग देखे रखे। एंड जंबो पास इनका 5500 प्लस जीएसटी जाता है, एंड जो डे पास है वो 2000 प्लस जीएसटी जा रहा है। मुझे लगता है कि एक बार मतलब आ सकते हैं इधर, एंड एक्टिविटीज़ काफ़ी है देखने के लिए। खाना मतलब बहुत अच्छा है, एंड खा के एक्टिविटीज मत करो, क्योंकि अगर खा रहे हो तो कुछ ब्रेक लेके करो क्योंकि बहुत चांसेस है कि वोमिट होने के। इसलिए फिर क्योंकि खाना इतना अच्छा है कि हम लोग खाते ही जाते, इसलिए फिर खा के थोड़ा सा रेस्ट लेके एक्टिविटीज़ करो, यू कैन प्लान लाइक दैट। एंड चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यार सब्सक्राइब के काउंट बहुत कम दिख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो सब्सक्राइब करो, मोटिवेट करो। एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।